अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सास बहू कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अष्टमी और नवमी पर कन्या को भोग लगने वाला प्रसाद। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे चने की रेसिपी। उसमें हमने काले वाले चने को ओवरनाइट वाटर में सोक करके रख रखा है। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो काले वाले चने ओवरनाइट सोक करके रख रखे थे, अब उसको हम बॉईल करेंगे। हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको 4-5 विसल्स आने तक वेट करेंगे। चलिए हम इतने इसके आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। चलिए अब हम अपना मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है मम्मी? ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक, हाँ, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर कसूरी, वो क्या डालेंगे मम्मी? कश्मीरी लाल मिर्च। जी अब इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे ये मसाले चल जाते हैं, तो इसको पहले ही प्रिपेयर करके रख ले। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसे हमारे चने बॉईल हो रहा है, इसके फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर देंगे हम ऑयल, थोड़ा सा ऑयल। इसको गर्म होने तक हम वेट करेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे। जीरा पाउडर और हींग, अब हमारा जीरा लाल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना मसाला जो हमने पहले प्रिपेयर करके रख लिया था, और इसको अच्छे से भून लेंगे। मसालों में पानी डालने से ये होता है कि मसाले अब चिपकेंगे नहीं, हमारे इजीली कुक हो जाएंगे। हमारा मसाला भुन रहा है, हम इसे अपने पूरियों के आटे की डो लगा के रख लेते हैं। हम अपनी पूरियों के लिए डो प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इसमें डालेंगे हम 1 कप आटा, 1/4 कप सूजी, 2 टीस्पून नमक डालेंगे हम इसके अंदर, 1/8 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर बेकिंग सोडा, इससे पूरियाँ बहुत फूली फूली बनेंगी, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम इसके अंदर और इसकी अच्छे से डो बना लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है इसके अंदर, ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम पानी, सारे एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए अब हमारी डो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे, 10-15 मिनट हम इसको रेस्ट करवाएंगे। अब हम अपने मसालों की तरफ चलते हैं। पहले छोलों को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 विसल्स आ चुकी है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए हमारे छोले बिल्कुल गल चुके हैं,
अच्छे से गल चुके हैं ये। अब हम अपने मसालों को देखते हैं मसालों का क्या हाल है। अब हम इसको छोलों को धो लेते हैं। देखिए अब हमारे मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। देखिए अब हम अपने छोले इसमें डाल देते हैं। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब ये भुन जाएगा देखिए बहुत अच्छे से भुन रहे हैं। तेल छोड़ दिया है इन्होंने, खाने में भी टेस्टी होंगे ये। इन्होंने अपना तेल धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर दिया है। गैस की फ्लेम को हम हल्का कर देते हैं। अब हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, है ना सासू माँ जी। अब इसको बंद करके रख देते हैं, गैस का फ्लेम कर देते हैं हम बंद। हम हलवे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक कटोरी पहले हम ड्राई फ्रूटों को अपने रोस्ट करेंगे, फ्राई करके इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हमने देसी घी लिया एक चम्मच। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट रोल कर लेते हैं हल्की आंच पे। देखिए हमको ज्यादा नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे, तो जल जाएंगे और फिर कड़वे हो जाएंगे। हाँ। तो टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी एक कटोरी देसी घी। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, एक कप सूजी डालेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाए, कच्चापन इसका सारा निकल जाएगा। देखिए अभी हलवा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है इसका, कलर अब इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं, मुझे इनके हाथ का हलवा बहुत ही पसंद आता है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, हमारा हलवा जल न जाए। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, आधे ड्राई फ्रूट हमने इसमें डालने हैं, आधे गार्निश में डालने हैं। और इसमें हमने डालनी है जितना ही रवा लिया था इतने ही एक कप चीनी। एक कप सूजी है तो हम एक ही कप इसमें डालेंगे चीनी। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक कप एक बड़ा कप डालेंगे हम इसके अंदर दूध। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर। हमारे हलवे को भुनते भुनते 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलो अब हमारा हलवा तो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या बनाएंगे मम्मी? अब हम बनाएंगे पूरियां। ठीक मम्मी, अब हम पूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक कटोरी ये देसी घी की। अब हमारे आटे को 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने आटे को देख लेते हैं कैसा है। जैसा हमें पूरियों को चाहिए था वैसे ही आटा है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी पूरियां बना लेते हैं। अब हमने अपनी पूरियों को बेल लिया है, अब हम इसको तेल में डालेंगे। सूजी डालने से हमारी पूरियां खस्ता खस्ता बनेगी। देखिए
अब हमारी पूरियां बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसी तेल में अपने साबूदाने के पापड़ों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने बड़े हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं साबूदाने के पापड़। ये भी बनकर बिल्कुल तैयार है। बनाएंगे अपनी साबूदाने की खीर। उसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में दूध डालेंगे। अब हम इसको बॉईल आने तक वेट करेंगे। आज तो मम्मी डिनर में मजा ही आ जाएगा। आज तो हमारे घर क्या क्या बन रहा है मम्मी? छोले, पूरी, हलवा और खीर और पापड़ साबूदाने के। अच्छा, आज तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। देखो अब ये हमारा बॉईल हो गया है दूध। अब इसके अंदर उबाल आ रहा है दूध में। अब हम इस साबूदाने को दो तीन घंटे भिगो के रखा था, फिर इसको अच्छे से वॉश करके अब हमने इसको, दूध उबल गया है हमारा, इस पर बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं साबूदाना। अब इसको अच्छे से हम चला लेते हैं। थोड़े से डालते हैं इसमें हम नट्स। अब मम्मी इसको ढक देते हैं, इसको ढककर पकाते हैं। 5 मिनट इसको हम ढक देते हैं। ठीक है, अब ये लो फ्लेम पे आराम से पकता रहेगा और इसमें अपना हमारा साबूदाना गल जाए। ठीक है, देखिए अब हमारे साबूदाने की खीर में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप चीनी और हमारा साबूदाना इसमें बिल्कुल गल गया है। भिगोगे तो जल्दी से बन जाएगा, अगर कच्चा डालोगे तो टाइम लगता है इसके अंदर। ये हमने 3 घंटे भिगोया था। अब हमारी खीर बन गई, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इन सब चीजों को डिश आउट कर देते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं डिश आउट करने के बाद।